साहरगढ़ थाना परिसर में डीएसपी निशिकांत भारती के अध्यक्षता में साहरगढ़ थाना क्षेत्र के स्वर्ण व्यवसायी सभी बैंकों के मैनेजर सभी सीएसपी संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डीएसपी ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी स्वर्ण व्यवसायी और सीएसपी संचालक अपने अपने दुकान अथवा केंद्र में बेल सायरन सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करेंगे। सभी सीएसपी संचालक राशि लाने व जाने के क्रम में थाने को सूचित करें ताकि सुरक्षा दिया जा सके। सीएसपी संचालकों को कहा गया कि सुरक्षा के साथ ही राशि लाने व जाने का कार्य करें। ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि आपके द्वारा जानबूझकर लापरवाही की गई है जिससे सरकारी धन की क्षति हुई है। डीएसपी ने सीएसपी संचालक से कहा कि आप लोग बैंक से पैसा निकालकर बाइक की डिक्की में न रखें, रास्ते में बाइक रोककर कोई भी कार्य न करें, साथ ही केंद्र पर आने जाने वाले सभी ग्राहकों का डाटाबेस तैयार रखें, किसी भी अनजान लोगों से बच कर रहे, ऐसे लोग साइबर क्राइम जैसी घटना को अंजाम देते हैं। मौके पर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, अपर थाना अध्यक्ष मोहम्मद शमीम, एसआई नवीन कुमार, अमोद कुमार सिंह, स्वर्ण व्यवसायी वीरेंद्र ठाकुर, रामचंद्र ठाकुर, देवेंद्र नायक, अमोद कुमार ठाकुर, अजय ठाकुर, महाजन गामी, ब्रांच मैनेजर राजू कुमार, सीएसपी संचालक आनंद भगत, सोनू राज सिंह, दीपेश यादव और प्रमोद कुमार समेत अन्य पुलिस कर्मी और व्यवसायी गण मौजूद थे। वो अपना थंब वाला मशीन ले लेता है, आपसे सिस्टम ले लेता है, थंब लगाता है, पैसा ट्रांजेक्शन करता है, आपको पता नहीं, बाद में पुलिस आती है आपको उठा के लेके जाती है। तो पहला चीज है इसमें कि जो भी सीएसपी संचालक हैं वो अगर कोई आदमी पैसा मंगा रहा है तो उसका तो आप लोग पक्के से आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जमा करा, जो कि आप लोग करते नहीं है। करते हैं सर, करते आधार कार्ड जमा कराते हैं? नहीं, उसका बोलिए कि आधार कार्ड ले लीजिए। इससे क्या होगा कि जो फ्रॉडस्टर है, जो गलत काम करने वाला है, वो आएगा ही नहीं। जो जीविका दीदी का पैसा आता है ना, तो कोई एक महिला रहती है, वो 4-5-8 लोगों का सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा की और लोन पास कराई, लोन पास करा के सीएसपी संचालक से कैश ले लिए, कुछ पैसा सीएसपी संचालक को दिया और कुछ पैसा। अब बताइए सर, अभी सारगढ़ थाना परिसर में स्वर्ण व्यवसायी और बैंक कर्मियों के साथ बैठक की गई है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर बैठक हुई है? आज जो है सारगढ़ थाना में स्वर्ण व्यवसायी और जो बैंक से आए हुए थे ब्रांच मैनेजर्स और जो सीएसपी संचालक थे, इन सभी के साथ ज्वाइंट रूप से मीटिंग रखा गया था और इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि सभी भी जो ब्रांचेज है बैंक के, उनके सायरन हैं वो फंक्शनल होने चाहिए, जो ज्वेलरी शॉप में है वहाँ पे सायरन लगने चाहिए, और फिर जो सीसीटीवी कैमराज है वो फंक्शनल होने चाहिए, सो डैट जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बेहतर ढंग से निगरानी रखी जा सके उसमें। बताइए अभी आप बैठक में भाग लिए, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया? उनके द्वारा भरोसा किया गया, दिया गया है कि आप लोग मतलब आप भी सतर्क रहिए और कैमरा और बेल इस दुकान में लगाना है, कभी भी कोई तरह का संदिग्ध आता है तो हमको सूचना कीजिए, हर समय हम लोग आपके साथ हैं। डीएसपी साहब ने क्या कहा? वो भी आश्वासन दिए हैं कि हर समय में हर जगह हम लोग आपके साथ के साथ है, जो भी दिशा निर्देश दिया गया आप लोग पालन करेंगे? हाँ, हम लोग पालन करेंगे उसके। सभी व्यवसायी मिल के टोटल व्यवसायी का आज स्वर्णकार व्यवसायी का बैठक था, अब बैंक कर्मी भी शामिल थे, बैंक कर्मी भी थे, सबके समक्ष जो है यही बात हुई है। सर को भी हम लोग जो अपना जो प्रस्ताव था सबको बोले हैं, डीएसपी सर को भी बोले हैं, आप लोग अपना समस्या से भी अवगत करवाए हैं, कुछ समस्या थी आप लोगों ने भी समस्या है, फोर्स के बारे में भी बोले कि यहाँ थोड़ा फोर्स का कमी है, जो थोड़ा कठिनाइयां सर को हो रही, सर बोले हैं कि हम अवेलेबल कराएंगे। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार ठाकुर, रेणुका ज्वेलर्स, सहरगढ़। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है, क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है, क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइया सी चुभती है और दर्द असहनीय हो गया है, यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है, खाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, सहरघाट, मधुबनी।